शालीन भनोत ने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अब की है टीना दत्ता के बारे में बात। टीना दत्ता के साथ रिश्ते पर उन्होंने पहली बार बात की, पूरा सच बताया। क्या कुछ कहा है शालीन भनोत ने अब टीना दत्ता से रिश्ते के बारे में। टीना दत्ता और शालीन जो बिग बॉस के घर में एक वक्त पर बहुत करीब थे, न्यू ईयर पार्टी के दौरान दोनों कोजी होते हुए भी नजर आए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनके बीच जो दूरियाँ बढ़ी वो ऐसा हुआ कि बिग बॉस खत्म होते होते दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही बन गए थे। खैर, बिग बॉस का सफ़र अब खत्म हो चुका है, सभी कंटेस्टेंट अपने अपने रास्तों पर निकल चुके हैं, नए नए प्रोजेक्ट सबको ऑफर हो रहे हैं। निमृत कौर आलूवालिया फिल्म कर रही हैं, प्रियंका चहर चौधरी खतरों के खिलाड़ी कर रही थी लेकिन एंड मोमेंट पर उन्होंने बैकआउट कर दिया। शिव ठाकरे को भी एक मराठी फिल्म मिली है, शालीन भनोत तो अपने सीरियल में बिजी हो चुके हैं और टीना दत्ता का नया सीरियल भी 10 अप्रैल से आ रहा है। ऐसे में शालीन भनोत हाल ही में एक एनजीओ के फंक्शन में पहुंचे, यहां पर उनसे जाहिर सी बात है टीना दत्ता के बारे में सवाल भी किया गया, जो कि लाजमी ही है क्योंकि टीना दत्ता भी जब स्पॉट होती हैं तो शालीन भनोत के बारे में पेपराजी उनसे ज़रूर बात करते हैं और शालीन भनोत जब स्पॉट हुए तो टीना दत्ता के बारे में उनसे सवाल पूछा गया। लेकिन शालीन भनोत से जब ये पूछा गया कि टीना दत्ता के शो के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, नया शो उनका शुरू होने वाला है सोनी टीवी पर, उसके बारे में क्या राय है, जय भानुशाली के साथ वो नज़र आ रही हैं, तो शालीन भनोत सीधे साधे शब्दों में कहते हुए नज़र आए कि मुझे अपने शो काबू के अलावा और किसी शो के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं जानकारी चाहता भी नहीं हूं। मैं अपने शो में बहुत बिजी हूं और अभी मैं और किसी भी शो में या किसी भी शो के बारे में जानकारी रखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, चाहे वो शो टीना का हो चाहे वो शो किसी का हो। फिलहाल हम लोग यहां पर आए हैं एनजीओ के बच्चों के लिए, इस फंक्शन के लिए, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करनी चाहिए। यानी कि शालीन भनोत ने कुल मिलाकर सीधा सा जवाब दे दिया मीडिया को और सीधे शब्दों में बता दिया कि टीना दत्ता से जुड़ी किसी भी बात का जवाब देने में वो कंफर्टेबल नहीं है और ना ही वो चाहते हैं कि कोई भी कॉन्वर्सेशन अब टीना की तरफ जाए। टीना दत्ता से भी जब एक बार पूछा गया था बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद शालीन भनोत के बारे में, तो वो भी कुछ इसी तरह कहती हुई नजर आई थी कि शालीन के साथ उनका नाम जुड़ना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये दोनों कभी साथ में दोस्त बनते हैं नहीं बनते हैं, क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए तो दोनों के रास्ते अलग हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।